सोल वर्सेस एक्स वाई जी हो गया, एक्स वाई जी वर्सेस फलाना ढिमकाना हो गया, फलाना ढिमकाना वर्सेस गॉड लाइक हो गया। व्यूज ऑन आदित्य लेफ्ट गॉडल, आदित्य लेफ्ट गॉडल देखो जरा आदित्य। हैं ये क्या हुआ? नहीं पता, मैं पूछ लूंगा उसको यार, ऑफ स्ट्रीम फोर के पूछूंगा, ऐसे ऑन स्ट्रीम पूछना इज रॉन्ग, मोरली रॉन्ग यार। जितना मुझे पता था वो यहाँ से गया था क्योंकि उसको जेली के साथ बैठना था, अच्छा जमेगा उसको, इसलिए गया था। बट जितना मैं अभी रिसेंटली देखा, आई डोंट थिंक आदित्य प्लेइंग फोर में खेल रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर देखते कुछ करेंगे, अपना भाई यार, मैंने पहले बोला था जो अपना भाई है अपना भाई है, हवा वाजले भाई नहीं है। विल यू प्ले हेल डाइवर्स टुडे? डू यू गाइस रियली वांट टू सी मी प्ले हेल डाइवर्स? आई वुड लव दैट, इफ यू वुड लव टू सी मी प्ले हेल डाइवर्स। लुक, इस बार अवार्ड जीते गाइस, आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के एंड से बेस्ट गेमिंग क्रिएटर, थैंक यू गेम क्रिएटर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मुझे अवार्ड देने के लिए, मीन्स अ लॉट। और मैं यार मैंने एक चीज नोटिस किया था कि बहुत लोग कुछ किसी कमेंट्स में ऐसा लिख रहे थे, मोर्टल को बोल रहे थे यार ई स्पोर्ट्स अवार्ड कैसे जीत गया, ई स्पोर्ट्स क्रिएटर ऑफ द अवार्ड क्या, ई स्पोर्ट्स प्लेयर का अवार्ड नहीं है पहला चीज, ठीक है। और मेरे को तो नहीं पता, बट मैं अगर देखूंगा अगर कम्युनिटी में ई स्पोर्ट्स के नाम पे, देखो मैं अपना खुद का नाम एक्सक्लूड कर देता हूँ, जैसे तुमने बोला खुद का नाम क्यों ले रहा है, तो लोग मोर्टल को देख के उस टाइम पे बीजेएमआई खेलना स्टार्ट किए थे, स्पेशली कम्पीट जब उसने स्टार्ट किया था पहले टूर्नामेंट में, अपना नाम मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। एस्पर भाई इस बार क्या इरादा है बीजीआईएस में, फुल एग्रेसिव जाओगे क्या? देखते हैं सिचुएशन के हिसाब से। आज 1v4 GE, थैंक यू गॉडल प्लेइंग फॉर फॉर बीजीएस, जो भी खेल रहे न्यू प्लेयर का गन पावर बहुत वीक है, अरे मार तो रहा है, अब क्या डाल ही देगा इस, तुमको क्या चाहिए, एक प्लेयर ऐसे पूरा 1v4 ही करते रहे, ऑर्डर को लेके आते वही बच गए, वो भी हर मैच नहीं मार पाएगा वो भी हर मैच नहीं मार पाएगा, बताओ। अबे टीम में बेंच भाई रहते चीज है बहुत सारे, सिर्फ मारो मारो रहता है मारो, बट जिधर मारना है उसको मार देता है, वन वी वन निकाल लेता है अपना। वेलकम एसटीएल पाजी, यार मैं चैट में देख रहा था गोडी में बोला गाइस तुम वेलकम क्यों लिख रहे हो, किस रीजन से लिख रहे हो बताओ, किस वजह से? छोड़ना और इनएक्टिव होने में फर्क होता है ना, तुम क्यों लिख रहे थे बताओ। भाई हाइड्रा सैनोक मैच में चिकन निकाला 11 किल्स से, फिर भी एक किल का भी पूरे मैच में पीओवी नहीं दिखाया, जल गई भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे देखो यार, देखो यार मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, लाइक ऐसा नहीं है, अपनी जो टीम है ना, अपनी टीम का जो आईजीएल है और अपने जो अपने प्लेयर का जो प्ले स्टाइल है, वो प्ले स्टाइल ऐसा है कि वो पहले उतरते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग फाइट अवॉइड करते हैं, अनलेस एंड अंटिल हमारा कोई ड्रॉप क्लैश ना हो रहा किसी से या ड्रॉप फाइट ना हो रहा, हम लोग फाइट अवॉइड करते हैं, ठीक है, अपने अपना लूटते हैं, तो अपना लूटते हैं बढ़िया एकदम आराम से जिंदगी बिताते हैं अपनी। अब इस दौरान क्या होता है ना कि मान लो किसी का ड्रॉप फाइट हो रहा है, जैसे मान लो बूट कैंप पे ड्रॉप फाइट हो रहा है किसी का, या अपार्टमेंट पे ड्रॉप फाइट हो रहा है किसी का, या कहीं पे भी चेसिंग चल रही है, यू नो कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है यार, अगर मैं एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर हूँ और मेरे स्ट्रीम पे अगर मुझे कुछ दिखाना है, तो मैं क्या दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा कि खिले ज्यादा क्लैश कहाँ हो रहा है ना, मसाला किससे मिलेगा भाई जहाँ फाइट हो रही है। अब लोग एंजॉय ये थोड़ी करेंगे कि यार बंदा लेवल 2 का आर्मर उठा रहा है, या लेवल 1 का हेलमेट उठा रहा है, या लेवल 1 का बैकपैक उठा रहा है, ऐसा कुछ थोड़ी एंजॉय करेंगे ना, लोग एंजॉय करेंगे कि भाई कौन किसके पीछे भाग रहा है गाड़ी लेके, कौन किसको कट्टे से मार रहा है, कौन किसको टट्टे मतलब दूसरी चीज से मार रहा है ना, तो लोग ये एंजॉय करेंगे, का प्ले स्टाइल सेफ है, हम लोग फिर रोटेशन मारते हैं। अब इस दौरान कोई अगर पकड़ा गया अब उस टाइम पे क्या होता है, लोग बाकी चीजों से फाइट लेते हैं ना, जैसे मान लो सोल वर्सेस एक्स वाई जी हो गया, एक्स वाई जी वर्सेस फलाना ढिमकाना हो गया, फलाना ढिमकाना वर्सेस गॉड लाइक हो गया, राइट, तो ये सारी चीजें वो कैप्चर करते हैं। अब इन सब बीच में हमने मान लो किसी का पॉइंट किल सिक्योर कर लिया, कुछ कर लिया, तो अब हम लोग ये करते करते लास्ट जोन तक पहुंच जाते हैं, थोड़ा अपना है ना 69 IQ लगा के लास्ट जोन पहुंच जाते हैं, तो लास्ट जोन पे अगर मान लो किल्स मिलते तब वो दिखाते, तो ऐसा उनकी गलती नहीं है कि वो जानबूझ के नहीं दिखाते, इज जस्ट कि यार वो ये चाहते कि जहां पे भसड़ हो रही है वो कवर करे, है ना। अब हाँ, अगर 16 किल्स तक अगर आप नहीं दिखा रहे हो तो ये बिल्कुल पॉइंट है, ये दिखाना चाहिए कि भाई 16, उस दिन कासन ने बोला कि भाई 16 किल्स कब हो गए पता ही नहीं पड़ा, राइट, तो ये एक चीज है, ये दिखाना चाहिए कि 16 किल्स कब हुए, कैसे हुए।